अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और उन्हीं का लेता है जिनको वो अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी भी तुम्हें उस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है कि अब तुम थक गए हो, मगर तुम्हारा ईमान नहीं थकता, बल्कि तुम्हारा हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन होकर रह जाता है और दुआएं मुकद्दर पे भारी पड़ जाती है। लोग पूछते हैं कि आजमाइश इतनी लंबी क्यों होती है, आजमाइश कब ख़त्म होगी। जब अल्लाह पर तवक्कुल किए हो तो उसकी आजमाइश पर क्यों नहीं। जितना तुम्हारा तवक्कुल और यकीन मजबूत होगा उतना ही तुम्हारा इम्तिहान मुश्किल होगा। आखिर क्यों? क्योंकि अल्लाह आजमाइश लेगा। अल्लाह इसलिए आजमाता है ताकि वो देख सके कि जिस कामिल यकीन का तुम अपने ज़ुबान से एतराफ़ करते हो, वो दिल से कहते हो, या फिर ज़रा से मुश्किल तुम्हारी तवक्कुल तोड़ सकती है। आजमाइश हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि अल्लाह फिर चुन लेता है उन्हें जो शिकवा नहीं करते। हर आजमाइश के पीछे इतना बड़ा सलाह होता है कि अगर तुम जान लो तो कभी शिकवा नहीं करोगे। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुमने अपना फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ तो दिए हो, मगर दिल से नहीं छोड़े। तुम अब भी चाहते हो कि काश फ़ैसला वही हो जो तुम्हारी ख्वाहिश है। ये कैसा एतबार हुआ भला? समंदर के बीच खड़े शख्स को इस बात से क्या मतलब कि कश्ती आड़ लगेगी या पार। अल्लाह जितनी मोहब्बत अपने बंदे से करता है ना, वह आपके गुमान से भी आगे हैं। हम सिर्फ वो देखते हैं जो ज़ाहिरी खूबसूरत है, जबकि अल्लाह ये भी जानता है कि आपके लिए क्या खूबसूरत है। यकीन करो, जिस दिन इस एतबार पे फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दोगे ना कि जो भी होगा मेरे लिए वही बेहतरीन होगा, तो उस दिन ना सिर्फ आप बेचैनी से निकल आएंगे, बल्कि फ़ैसला आपके यकीन से ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अल्लाह सारी दुनिया और लोगों के दिलों समेत उनकी सोच के रुख तक को बदलने पर कादिर है। आजमाइश अल्लाह अजियत देने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी ही जल्दी वो दूर भी हो जाएगी। हम हमेशा ईमान की हालत में नहीं रह सकते। ऐसे दिन भी आएंगे कि जब तुम्हें लगेगा कि अल्लाह तुमसे प्यार नहीं करता, और ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। लेकिन ये एहसास सच नहीं होते, ये सिर्फ एक फेज़ होता है, और फेज़ अल्लाह ने हमेशा के लिए नहीं बनाया, बल्कि ये गुजर जाने के लिए बनाए। जैसे खुशी और गम का मरहला होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये कमज़ोर ईमान का मरहला होता है। ये मायूस एहसास हमारे मुश्किल हालात की वजह से पैदा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह हमारे साथ नहीं है या उसे हमसे प्यार नहीं है। अल्लाह हम सब से प्यार करता है, तब भी जब हम खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं। अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है, तब भी जब हम अपने ईमान के सबसे कमज़ोर दर्जे पर होते हैं। तो फिर गुज़र जाने दो इस मरहले को, क्योंकि इस मरहले के बाद मौजज़ा है, और बेशक कुरान गवाह है कि मेरा रब दुआ खूब सुनने वाला है।